डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंडक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई टर्म नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अपनी कॉपी पर, पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? यदि चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि मेरे सामने ये पॉजिटिव Q चार्ज है तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। मैंने बताया था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रहती है, रेडियली अपवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में रहेगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देता हूँ। यदि मेरे सामने ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होगी, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो रेडियली इनवर्ड रहेगी। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्यू की वजह से जो फील्ड लाइन रहती है वो रेडियली आउटवर्ड रहती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन रहती है वो रेडियली इनवर्ड रहती है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड भी होगी, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या होगी, बाहर की तरफ फ्लो होना। इसी तरीके से यदि नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फील्ड में जो भी आने वाला चार्ज होगा, जो भी पार्टिकल होगा, वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला रहेगा। ये इसका मतलब होता है। अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मान लीजिएगा ये हमारे सामने कोई भी सोर्स चार्ज है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और हमारे सामने एक पॉइंट बी है और इसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए है। ओके, अब समझना है आपको ध्यान से। मान लो आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आते हैं सोर्स चार्ज की तरह। हमारे सामने ये क्यों सोर्स चार्ज है, और मान अब यदि हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया सॉरी, टेस्ट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल चार्ज, जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर जान रहे हैं। तो उन सब के लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत होती है। आप लोगों की लेबोरेटरी में भी आपके जो टीचर्स हैं, जो लेबोरेटरी में असिस्टेंट हैं, वो आप सभी लोगों को करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, एक मैं टेस्ट चार्ज ये क्यू नॉट है मेरे सामने, मान लीजिए ये हमारा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि इस टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि इससे हमें टेस्टिंग करनी है। अब देखिए बेटा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चार्ज है पोटेंशियल भी होगा। मैंने क्या बोला, चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये लो, इसका प्ले फील्ड किधर होगा, ये क्यू है तो इसकी फील्ड लाइन कैसी बनेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यानी रेडियली आउटवर्ड होगी। ये तो मुझे पता चल गया। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर लेके आना चाहूंगा, तो होगा क्या बेटा, ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ये जो पॉजिटिव और पॉजिटिव, मैंने बताया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, बाहर भागने की होगी। तो हमें इस चार्ज को क्यू नॉट को ए से बी तक लगाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं आएगा, क्यू नॉट अपने आप, ये उसकी मर्जी नहीं है कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर आ जाए, नहीं, क्यू नॉट को और हमें यहां पर लेके आना है बी पॉइंट पे। देखो बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप लोग जब क्लास 12th में आएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर चलते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वीक होती चली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है।
लेकिन अब देखिए इस चार्ज के पास में बी पॉइंट पहले है या ए पॉइंट, डेफिनेटली बी पॉइंट आपके चार्ज के पास में है और ए पॉइंट इस चार्ज से थोड़ा दूरी पर है, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ए पॉइंट। अब जब हम इस क्यू नॉट को इधर लेके आएंगे तो क्या करना, तो हम फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट मीन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो अंगेस्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है इन दोनों के बीच में, Q और Q नॉट के बीच में, इसकी टेंडेंसी क्या है, Q नॉट को दूर भगाने की है, जबकि Q नॉट पे आप जो वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो वर्क कर रहे हैं वो अंगेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो Q नॉट को जब आप A से B की ओर लेके आते हैं तो आपको अंगेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करना पड़ता है। दैट मीन ये हुआ कि आपने मान लीजिए डब्ल्यू ए बी वर्क किया, W यानी इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आपने A से लेके B तक किया, यानी कि वर्क आपने A से लेके B तक किया, आपने किसके लिए वर्क किया, Q नॉट को, भाई Q नॉट ही तो लेके आ रहे हैं, Q नॉट पे वर्क किया, यही क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस DB। इसका मतलब क्या हुआ कि यही पोटेंशियल डिफरेंस है W यानी वर्क डन, आप एक यूनिट चार्ज को लाने में यदि आप एक जूल वर्क करते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। यदि मैं यहाँ, तो मैंने ये दो पॉइंट की बात की, यही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझना आप लोग, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि कहाँ पोटेंशियल ज्यादा है और कहाँ पोटेंशियल कम है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बी पे ज्यादा है या पोटेंशियल ए पर ज्यादा है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब देखो पोटेंशियल बी पर हमेशा ज्यादा होगा, जो पॉइंट चार्ज के जितने नजदीक होगा जितने पास में होगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वर्क के। देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंगेस्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है आपका इस डायरेक्शन में और आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप इस तरह से लेके आ रहे हैं, तब क्या होगा उस केस में हमेशा और हमेशा आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट मेरे सामने सी है, तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जो डब्ल्यू बी से लेके सी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा डब्ल्यू ए से लेके बी तक लाने में, यानी कि जो आपने वर्क किया है ए से लेके बी तक, जो आपने फोर्स लगाया है भाई ए से लेके बी तक, जो आपने फोर्स लगाया है, मैं मानता हूँ कुछ भी लगाया हो उस, अगर उतना ही फोर्स अगर आप लगाएंगे, सॉरी उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको बी से सी तक खिसकाने में, क्यों, क्योंकि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंगेंस्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन तो ऐसे से जा रही है और इस टेस्ट चार्ज को तुम लेके आ रहे हो यार, तुम रिपल्सन रिपल्सन करवा रहे हो, जैसे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अब क्या होगा आपस में ये दोनों एक दूसरे के रिपल्सन होगा, भागेंगे, तो अब जैसे जैसे पास लेते आओगे उतना ही ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा और उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा इसके अंगेस्ट लाने में, इसके पास लाने में, तो वही चीज है, यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, मान लो यही हमारे सामने टेस्ट, ये सोर्स चार्ज हो गया और मान लीजिए इंफिनिटी, यानी कोई भी चार्ज है, कोई सा भी चार्ज ले लो, यानी टेस्ट चार्ज ही होगा, हमने बताया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है और हमेशा टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव रहता है, तो उस टेस्ट चार्ज को अगर आप इंफिनिटी तक लाने में कितना वर्क कर रहे हो, वही मान लो अब आपको इस पॉइंट पर पता है इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि उस चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आए हैं, तो इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो ये पॉइंट का नाम है पी, इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा है, दैट मीन जो वर्क डन किया आपने टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट अपॉन चार्ज
जो आप लेके आ रहे हो यही क्या है आपका पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करें इसका सिंबल हो गया वी, इसकी यूनिट की बात करेंगे हम वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल क्यू, चार्ज हो गया। डब्ल्यू की यूनिट क्या है जूल, क्यू की यूनिट क्या होती है कूलम, यानी वोल्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वन जूल पर कूलम इज इक्वल टू वन वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट हो गई वोल्ट या वन जूल पर कूलम। अगर हम इसको वर्क को हम डिफाइन करें न्यूटन मीटर में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन इनटू मीटर अपॉन कूलम, तो ये भी गलत नहीं हुआ। इसका मतलब ये निकल के आया कि वन जूल पर कूलम इज इक्वल टू वन वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ वन न्यूटन मीटर पर कूलम। आप इसकी यूनिट भी याद कर सकते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। वोल्टेज निम वोल्ट पोटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस बात करो या वोल्टेज बात करो, तीनों चीज होती है कि है। यदि मान लो इन दोनों पॉइंटों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, बात एक ही है। तो आप करेंगे क्या, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। हमेशा याद रखना बेटा, टेंथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये वोल्ट मीटर में हमेशा और हमेशा जहाँ पर हमें वोल्टेज मेजर करना है, ये तो वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर रहा है, इस वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। तो पैरेलल में हम हमेशा वोल्ट मीटर को लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर में हमेशा और हमेशा इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि ये नेग्लिजिबल करंट लेता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि एक आपके सामने बैटरी है, मान लीजिए ये 20 वोल्ट की कोई बैटरी लगी हुई है, कोई भी इस बैटरी में से करंट आ रहा है तो इसमें ना के बराबर करंट जाएगा। यदि ऐसा होता, मैं मान लो नहीं हो रहा, इसमें सारा करंट जा रहा है, तो फिर इसमें से क्या जाएगा? याद रखना इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। स्टार बना के पॉइंट नोट कर लीजिए, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, सो इट कैन टेक इट टेक्स नेग्लिजिबल करेक्ट। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। दूसरी चीज ये बताई कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है। तीसरी चीज ये बताई कि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है। तो जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सब लेक्चर बनाइए, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।